हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया एक नई सीरीज जिसका नाम है संडे टेक डोज। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन डोज। हे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। मेरा नाम है प्रथम और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया एक नई सीरीज जिसका नाम है संडे टेक का डोज नंबर वन। दोस्तों इस सीरीज का नाम होगा संडे टेक डोज नंबर वन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एक हफ्ते का पूरा न्यूज जो आ चुका है यूट्यूब पर या कहीं से भी, मैं उठा के लाऊंगा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको एक डोज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का डोज। और उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने लिया एक फोन का कवर, वो भी रेडमी 3S के लिए। तब देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने शेवरॉन का खरीदा है। मेरे पास उसका थैली तो नहीं अभी आपको बता देता, लेकिन इसकी प्राइस है 145 रुपीज़ दोस्तों। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों इसकी एकदम। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। तो इसको अभी ये मेरे पास है, एक मिनट पहले है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इंक्लूड कर दूँ। तो अमेजोन से आया है 2 दिन की डिलीवरी में बड़ौदा में। तो दोस्तों आप इसको बाय कर सकते हैं, 145 रुपीज़ की इसकी प्राइस है। तो इसको खरीद लो अगर आपके पास रेडमी 3S प्राइम है। दोस्तों शुरू करते हैं टेक न्यूज़। और दोस्तों सबसे पहला जो टेक न्यूज़ आता है यहाँ पर वो है एंड्रॉयड ओ। तो दोस्तों एंड्रॉयड ओरियो या एंड्रॉयड ओ या कुछ भी आने वाला है 8.0 जल्दी ही। अभी जो गूगल का पिक्सल डबल एक्सेल या कुछ भी आएगा उसमें ये आएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर प्लान हो रहा है एंड्रॉयड गो का, जिसमें कि 2018 में आपको जैसे कि बजट फोन्स होंगे जिनकी कीमत 5,000 से थोड़ी कम होगी और जिनकी 1 GB से या 512 MB की रैम होगी, उसमें आपको एंड्रॉयड गो के फीचर मिलेंगे। जैसे कि यूट्यूब गो बन चुका है, ट्विटर का लाइट बन चुका है, फेसबुक लाइट बन चुका है, ऐसे ही अब उस फोन्स में अब सब गो टाइप के छोटे इंटरनेट वाले पैकेज और जो रैम को ज्यादा यूज नहीं करे वैसी चीजें आएंगी। तो दोस्तों ये काफी अच्छा होगा एंड्रॉयड गो, 2018 में लॉन्च होगा ये। फिर दोस्तों यहाँ पर एक नया फोन लॉन्च हुआ है माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो है माइक्रोमैक्स कैनवास 2। शुक्र है भगवान का कि ये कॉपी नहीं है किसी फोन का। 5 इंच की इसकी डिस्प्ले है, 3 GB की रैम है दोस्तों, और 7.0 नोगट है ये दोस्तों, और 3050 mAh की बैटरी है, और प्राइस इसका 11,000 रुपए का है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको ये फोन बाय करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये फोन अच्छा लगा कि नहीं। दोस्तों अगला जो न्यूज आता है वो है जियो की ग्रोथ स्लो। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जियो की ग्रोथ बहुत ही नीचे हो चुकी है कुछ दिनों से, मैं कहूंगा हफ्तों से नहीं, कुछ दिनों से जियो की ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अब जियो से ज्यादा सस्ते प्राइस पर उसी टाइप के नेट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1 GB का दे रहे, लेकिन वो लोग फुल दे रहे हैं। मतलब कि जैसे एयरटेल है 999 में 1 साल के लिए, मतलब 1 महीने का 30 GB दे रहा है, तो 1 दिन का 1 GB नहीं देगा लेकिन 1 महीने का 30 GB देगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो अगला न्यूज आ रहा है वो है थोड़ा एंटरटेनमेंट न्यूज। तो ये है ढिंचक पूजा सेल्फी मैंने ले ली आज, उसका ये न्यूज आ रहा है। ऐसे ही अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मत देना, ठीक है? तो दोस्तों अगला न्यूज जो यहाँ पर आ रहा है वो है WannaCry रैंसमवेयर। तो दोस्तों ये जो रैंसमवेयर है ये आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको आई बटन में बता दूंगा एक वीडियो जो मेरे दोस्त का है जिसका नाम है स्क्रिप्ट विजय है। तो जाके उसके वीडियो को देखिए, उसने अच्छे से इसको डिस्क्रिप्शन इसका बताया है दोस्तों। फिर यहाँ पर जो लॉन्च हुआ है मी की तरफ से, मी का ब्लूटूथ हेडसेट जो कानों में यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, उसका लॉन्च हुआ है ₹1,350 का दोस्तों। और दोस्तों ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, शुक्र है कि ये स्टॉक आउट नहीं हुआ है, तो इसको जाके बाय कीजिए फटाफट। और यहाँ पर जो अगला न्यूज आ रहा है वो भी है रेडमी की तरफ से, और रेडमी ने लॉन्च कर दिया यहाँ पर रेडमी 4, जो कि अच्छा नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता रेडमी 3S और रेडमी 4। तो जो क्योंकि मैंने रेडमी 3S लिया था, इसका मतलब ये मत समझना कि रेडमी 3S है तो रेडमी 4 खराब है, नहीं दोस्तों। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है उसमें, बस। एक फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए आप ज्यादा प्राइस खर्च करेंगे, कोई दिमाग नहीं भाई। और अगर आपको लेना है दोस्तों तो आप उसमें 3 GB वाला वेरियंट लीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों ये लॉन्च हो चुका है, तो जाके ग्रैब कीजिए इस डील को। दोस्तों अगला न्यूज जो यहाँ पर आ रहा है वो है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है व्हाट्सएप पिन चैट। तो दोस्तों जैसे कि आपका कोई ग्रुप है या कोई फेवरेट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई भी है, तो जाके आप उसके जो चैट्स हैं वो आप ज्यादातर जब चैट्स किसी से करते हैं तो आपके फ्रेंड या ग्रुप की चैट नीचे जाती है, तो आप इसको पिन कर सकते हैं कोई 3 चैट्स को जो टॉप पे रहेंगी, कभी नीचे नहीं आएंगी दोस्तों। सबसे ये अच्छा फीचर लगा मेरे को अभी तक का। और दोस्तों यहाँ पर अगला जो न्यूज आता है वो है नोकिया की तरफ से, और नोकिया ने लॉन्च कर दिया इंडिया में 3310 2 या 3 दिन पहले। तो दोस्तों ये टेक डोज में मैंने इसको इंक्लूड किया है, और इसकी प्राइस भी है 3310। तो दोस्तों जाके ये फोन को खरीदिए, क्योंकि मैंने ये फोन को ऑर्डर कर दिया दोस्तों
जल्दी ही आ जाएगा। मार्केट वैल्यू इसकी 3,310 है और ऑनलाइन पर शायद से मिलता नहीं है दोस्तों, तो जाके ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर गेमर्स के लिए कुछ अच्छी डील आई है दोस्तों, एनवीडिया की तरफ से 6,000 रुपए में GT 1030 मिलेगा दोस्तों। तो ये काफी बजट है, हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप गेमर है, अगर आपको गेम खेलना पसंद है और ज्यादा हाई एंड गेम नहीं खेलने हैं, तो ये जाके आप खरीद सकते हैं अमेजोन से। फिर दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट न्यूज आ रहा है वो है मी मैक्स 2 की तरफ से, जो कि लॉन्च होने वाला है 25 मई को या 26 मई को, रेडमी की तरफ से, सॉरी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक बात सुनिए, मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया, उसका नाम है PS Unplugged दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आई बटन में मैंने शायद से दे दिया होगा, नहीं दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट गेमिंग वीडियोस। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज प्रथम सिंह साइनिंग ऑफ।